नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इलेक्ट्रीशियन के जो बुक्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। और आप सभी को पता होगा कि मैं गवर्नमेंट ITI में टीचर हूं, काफ़ी सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो बहुत सारी बुक मेरे पास आती हैं। तो उनमें से कौन सी बुक लेना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों को जानना है, क्योंकि पैसे तो आप लोग बुक खरीदने के लिए खर्च करेंगे ही, तो ऐसा ना हो कि आप पैसे भी खर्च करें और आपको अच्छी पब्लिकेशन की बुक भी ना मिले। और पहले ही मैं इस बात को बता देना चाह रहा हूँ, मैं किसी प्रकार की कोई बुक के पब्लिकेशन का किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। आप सभी छात्रों के हेल्प के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो है हमारे पास बुक आती हैं जब हम उनको पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बुक से, दो बुक से, चार पांच बुक से हम लोग पहले उसको देखते हैं, उसके बाद जो अच्छी बुक है, जिसमें कंटेंट अच्छे हैं, जिसमें गलतियां कम हैं, जो सिलेबस के न्यू सिलेबस के अनुसार जो है बुक दी है, उसको ही हम प्रेफर करेंगे आप लोगों को। और किसी प्रकार का किसी भी पब्लिकेशन का प्रचार इसमें नहीं है, जो हकीकत है वही मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। और आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रीशियन में हो आप लोगों को, आज मैं इलेक्ट्रीशियन की बुक का रिव्यू कर रहा हूँ। इलेक्ट्रीशियन में पांच सब्जेक्ट होते हैं, पहला ट्रेड थ्योरी, दूसरा ट्रेड प्रैक्टिकल, तीसरा जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, चौथा जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग, और पाँचवा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। जिसमें से जो है आप लोगों को दो बुक तो कंपलसरी है कि लेना ही लेना चाहिए, जिसमें आप लोगों को ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल, ये दो बुक तो आप लोगों को परचेज करना ही चाहिए। और एडिशनल की बात करूं मैं तो कंपटीशन में आपका जो जैसे लोको पायलट टेक्नीशियन होता है, तो वहाँ पर आप लोगों का लोको पायलट में इंजीनियरिंग ड्राइंग भी वहाँ पर थोड़ा बहुत पूछी जाती है, तो उसको भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप ITI में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक लेना चाहते हैं तो उसको भी ले सकते हैं। मगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को जब पेपर आएंगे तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से पढ़ाऊंगा, तो वहीं से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और नहीं भी लेना चाहते हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक मैं अपने चैनल पर आप लोगों को मॉडल पेपर दूंगा, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए ज़्यादा जरूरत नहीं है लेने की। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की, वर्कशॉप कैलकुलेशन की 6-6 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ ITI के, ITI में फाइनल एग्जाम में, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। और जो आप लोगों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया, उसको जो है मैं अपने चैनल के माध्यम से मॉडल पेपर दूंगा, तो उसको भी लेने की जरूरत नहीं। कुल मिला के पाँच सब्जेक्ट में से दो ही सब्जेक्ट की आप लोग बुक परचेज कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों का ट्रेड थ्योरी हो गया और ट्रेड प्रैक्टिकल हो गया, जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं। तो मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। तो बुक दिखाने से पहले आप सभी छात्रों से निवेदन है कि अच्छे अच्छे कंटेंट मैं अपने चैनल पर आप सभी छात्रों के हेल्प के लिए लाता रहता हूं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बुक दिखाने वाला हूँ, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की बुक दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आगे इसको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको बढ़िया से देखे। पब्लिकेशन की बात कर लें, सबसे मेन जो है पब्लिकेशन, वैसे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ कॉर्नर पर, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पब्लिकेशन की बात करें तो अरिहंत पब्लिकेशन, और राइटर की बात करें तो AK मित्तल जो राइटर है वो सबसे अच्छे हैं। तो जिसको इंग्लिश में लेना है वो इंग्लिश में भी ले सकता है, इंग्लिश वर्जन भी इसका उपलब्ध है, और इसका जो है वो हिंदी वर्जन भी उपलब्ध है। तो मोस्टली बच्चे हिंदी ही पढ़ते हैं ITI में, तो हिंदी वर्जन का मैंने आपको दिखाया है। और ये बुक क्यों अच्छी है वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक तो गलतियाँ कम हैं, मिस्टेक्स कम हैं, और दूसरी बात ये है कि इसमें जो है वो न्यू सिलेबस के अनुसार सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। और आगे हम बात करें तो इसी में चैप्टर के लास्ट में जो है वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसमें दिए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चंस अच्छे बने हुए हैं, और काफ़ी क्वेश्चन इससे जो है आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो अगर किसी को अरिहंत पब्लिकेशन इलेक्ट्रीशियन की बुक लेना है थ्योरी की, तो अरिहंत पब्लिकेशन की ले सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप लोगों की जो मर्जी है उसको आप लोग जो है आगे ले सकते हैं। दूसरी बात करें, इस बुक को मैं हटा देता हूँ, दूसरी बात करते हैं ट्रेड प्रैक्टिकल की, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अरिहंत पब्लिकेशन की ये भी बुक है, और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा के दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और अच्छे से इसको, और ये भी जो बुक है वो आप लोगों की अरिहंत पब्लिकेशन की ट्रेड प्रैक्टिकल की बुक है। सारा सिलेबस के अनुसार ही इसमें मैच कर रहा है। आप जब सिलेबस उठाएंगे और यहाँ पर प्रैक्टिकल का जो विषय सूची देखेंगे उसमें, तो आपको सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी। तो बुक में गलतियाँ कम हैं, अच्छे अच्छे फिगर्स के माध्यम से यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल समझा रखा है, और कंटेंट जो है वो बहुत सिस्टोमेटिक दिया है। तो सिस्टोमेटिक कंटेंट भी मिल रहा है, सिलेबस पूरा कवर कर रहे हैं,
फिगर्स डायग्राम्स बहुत अच्छे बनाए हैं, और जो हमने नया सिलेबस अभी 2022 में चेंज किया उसके अनुसार ही सारी चीज़ें इसमें हैं। तो ये बुक भी मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगा। बाकी अरिहंत पब्लिकेशन की दोनों बुक, थ्योरी और प्रैक्टिकल की, आप लोग ले सकते हैं। और बाकी अगर आपकी स्वेच्छा से आप किसी और पब्लिकेशन का ले सकते हैं, मैं तो रिकमेंड करूँगा इसी की, क्योंकि इसी से जो है वो सिलेबस मैच कर रहा है और सारा कंटेंट अच्छा है, गलतियाँ कम हैं। बाकी आपकी जो मर्जी है आप लोग ले सकते हैं, और मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जो अपना अनुभव है पढ़ाने का उसके अनुसार आप लोगों का, क्योंकि आप सभी मेरे फैमिली की तरह हैं, सभी मेंबर्स मेरे फैमिली की तरह हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का जो पैसे खर्च करें वो सही चीज़ों पर खर्च करें। मार्गदर्शन का काम जो मेरा एक है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मार्गदर्शन ही कर रहा हूँ कि आप लोग पैसे खर्च कर रहे हैं तो अच्छी जगह पे खर्च करिए, अच्छे जो है कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ख़रीदना है तो आपको अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके बुक स्टॉल पे जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल सकता है, नहीं तो आप लोग ऑनलाइन जो है वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो में दी गई जानकारी और मेरी जो मेहनत है आप लोगों के लिए, जो बहुत मैं करता आ रहा हूँ रिव्यू के माध्यम से या अन्य जानकारी के माध्यम से, अच्छी लगती हो तो चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में चैनल को बताएं कि यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं, कंटेंट हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें फ्री में मिलती हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इसका लाभ पहुँचेगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।